उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले पर घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुसीबतें अपने देश में भी कम होने का नाम नहीं ले रही। आतंकी हमले के बाद से अलग थलग पड़े नवाज शरीफ को पाकिस्तान में ही विपक्षी सांसदों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने नवाज शरीफ पर जमकर हमला बोला। पाक संसद में शेरी रहमान ने पाकिस्तान की विदेश नीति को कमजोर बताया। श्री रहमान ने निशाना साधते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है। रहमान के मुताबिक भारत ने पानी को भी हथियार बना लिया है। पाक संसद की कार्यवाही के दौरान श्री ने कहा कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। श्री के मुताबिक अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। श्री ने नवाज पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया भारत ने पाकिस्तान को ऐसे पेश किया जिसे आतंकवाद के लिए उनका ही देश जिम्मेदार है। अफगानिस्तान भी पाक को आतंकवाद के लिए दोषी मानने लगा है। शरी ने नवाज पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं जानती है। आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान के लिए शेरी रहमान ने नवाज शरीफ की कूटनीति और विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया। शेरी ने भारत के एमएनएस अजीत डोभाल जो है एनएसए उनके बयान को भी उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक और आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा। जंगें भुगतानी पड़ती हैं। मैं नहीं कह रही किसी एक हुकूमत की वजह से हुआ है, ये हम पाकिस्तान की डाइवर्जेंट रियलिटीज को देख रहे हैं, इमर्जेंट रियलिटीज को देख रहे हैं, और डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है इस वक्त सुपर पावर्स के, आपके साथ उनका उनका इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा। तो इन हालात में आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको सबसे पहले पाकिस्तान का दिफा करना चाहिए। कश्मीर का दिफा पाकिस्तान का ही दिफा है। पाकिस्तान का दिफा कौन कर रहा है? स्पीकर साहब, हम दिफा पाकिस्तान कर रहे हैं। ये पार्लियामान कर सकता है, जो फौज है, और मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तानी आर्मी इज फाइटिंग द लार्जेस्ट इनलैंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन द वर्ल्ड टुडे एंड नोबडी नोज अबाउट इट। वेरी फनी स्पीकर साहब, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात खोल ली, जो दो जंगों में नहीं खुली थी, तीन जंगों में कभी नहीं खुली थी। और ये ट्रीटी कोई पाकिस्तान के साथ कोई फेयर या जस्ट नहीं है, इसने इंसाफ नहीं किया पाकिस्तान के साथ। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, भारत को किस तरीके से यूएस का साथ मिल रहा है, जिसका मुद्दा भी शेरी रहमान ने अपने स्पीच में उठाया भी, साथ ही साथ अफगानिस्तान भी छूटता नजर आ रहा है, अफगानिस्तान का भी साथ पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। तमाम आरोप नवाज शरीफ पर लगाए हैं, तो नवाज शरीफ जो है उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ अलग अलग देश उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके घर पर भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद राणा मोहम्मद अफजल ने हाफिज सईद समेत सभी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद को हमने क्यों पाल रखा है। उन्होंने कहा कि संसद की विदेश मामलों की समिति की बैठक में राणा मोहम्मद अफजल ने हाफिज का नाम लेकर कहा कि हाफिज सईद से पाकिस्तान को क्या फायदा है जिसके चलते उसे हमने पाल रखा है। वही सवाल जो लगातार भारत उठाता रहा है, एक बार फिर से वो सवाल उनके ही घर पर उठा। By saying that what eggs he laying for Pakistan means that what benefit he, Pakistan is getting from his activities. He should not be allowed to move around in a manner that shows as if he's posturing against India. उनके वहां पाकिस्तान में खड़े हैं, वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। जवाब अब नवाज शरीफ को देना होगा, क्योंकि आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम देश उनके खिलाफ खड़े हैं, साथ ही साथ घर पर भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। याद होगा आपको यूएन महासम्मेलन, जब नवाज शरीफ ने वहां पर अपने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उस समय से सवाल उठ रहे थे उनके घर पर कि आखिर उन्होंने अपना पक्ष जो है वो बहुत सही तरीके से नहीं रखा, जिसके कारण भारत लगातार उन पर आरोप लगा रहा है। आतंकवाद का आरोप हम उनके ऊपर लगा रहे हैं, जैसा शेरी रहमान कह रही है, जबकि वो आतंकवाद से खुद लड़ रहे हैं, और ऐसे में हम अपना पक्ष नहीं रख पाए, ऐसा कहना है शेरी रहमान का। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए ताजा जानकारियों के साथ। प्रणय, जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान लगातार घिरता जा रहा, नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि तमाम देश तो उनके खिलाफ थे ही, अब उनके जो विपक्ष में नेता हैं वो भी उनके खिलाफ
बोलना शुरू कर रहे हैं। देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, जिस तरीके से मामला आपने सुना, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ, विपक्ष के निशाने पर नवाज शरीफ थे, उनका घिरना लाजमी है। लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा था वही शीरी रहमान जो है वो पाकिस्तान सरकार की मंत्री रह चुकी हैं, पीपीपी सरकार थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार थी, और उस समय में भारत पर मुंबई का आतंकी हमला हुआ था 26/11/2008 की बात है ये। तो यानी सरकार किसी की भी हो, वहां पर भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश होती रही है। अगर भारत की बात की जाए अर्पिता, तो भारत तो हमेशा से उन आतंक के घावों को झेलता रहा है, चाहे सरकार पीपीपी की हो या चाहे पीएमएलएन की। लेकिन ये बात जरूर है कि अब भारत ने जो 29 तारीख को जवाब दिया है पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक को कैरी आउट करके 18 तारीख के जो उड़ी के आतंकी हमले के बाद, उससे संदेश स्पष्ट है कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ एग्रेसिव कार्रवाई करने को तैयार है। और यही संदेश यहां पे एयरफोर्स स्टेशन हिंडन से भी दिया गया, जब एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि उड़ी और पठानकोट के हमलों के बाद ने यह साबित कर दिया है कि हम किन खतरों से मुखातिब हैं। अब ये जरूरी है कि हम पूरे देश को ये भरोसा दिलाएं कि भारतीय वायुसेना किसी भी हमले और किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय।